बस थोड़ा थोड़ा चारों तरफ से एक लीटर के माप से हर पौधे में दे देना है। अब इसमें जो कीट पतंगे कीटाणुओं वगैरह का भी अटैक होगा अगर मिट्टी में ना, तो सब भाग जाएंगे। और इस तरह से इस पौधे में भी हम गिरा देंगे। तो समय समय पे मैं हमेशा देती रहती हूँ, इसीलिए हमारे पौधे इतने हेल्दी होते हैं। इस तरह से तो बिल्कुल भी आप ना घबराइए कि इस चीज़ से किसी भी प्रकार का कोई अटैक होगा किसी चीज़ का, और रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमें इसे डबल चांदनी में भी दे देना है। देखिए यह पूरा कितना गुच्छों में फूला हुआ है और बहुत अच्छी इसमें कलियां भी बनना शुरू हो गई हैं, और बहुत अच्छी मात्रा में हमको इससे फूल भी मिल रहे हैं। मैं चारों तरफ से अपने पौधे को आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए बहुत अच्छी मात्रा में इससे जो है फूल मिल रहे हैं। तो इसे यह चीज़ देना बहुत ज़रूरी है, यह रोग ग्रसित होने से तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ ही साथ फूल खिलाने में भी चांदनी में बहुत मदद करता है। जब भी दीजिए तो फेंट कर दीजिए और पौधे की उम्र के हिसाब से दीजिए। तो थोड़ा यह हमारा 5-6 साल पुराना पौधा है, तो हम इसमें थोड़ा अधिक देंगे, करीब इसमें हम 1.5-2 लीटर के माप से देंगे। अब इससे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छी और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी इससे, और पौधे में किसी भी प्रकार का कोई बीमारी नहीं लगेगा और पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होती ही जाएगी। तो यह आयुर्वेदिक दवा हमें कनेर में भी दे देना है। तो हमें अपने बेला मोंगरा में भी इसको ज़रूर देना है। देखिए कलियों और फूलों की संख्या आप देख लीजिए, इतना बेशुमार खिला हुआ है और इतनी ज़्यादा इसमें कलियां भी बनी हुई हैं, और फूल की साइज भी देखिए कितनी अच्छी है। तो इस तरह से इसमें भी देना हमें बहुत ज़रूरी है। इस तरह से गिरा दीजिए, कहीं भी गिराइए, प्योर ऑर्गेनिक है, दवा की तरह आप इसको हर पौधों में दीजिए। इस तरह से इस गुलाब में भी देंगे, गुलाब के लिए भी यह बहुत ही रामबाण होता है। तो इस तरह से अपने इस मोती बेला में भी देंगे, इसको भी देना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए यह गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहा है, तो फूल की साइज भी अच्छी हो और लगातार हमको इससे फूल भी मिलते रहें, तो इसमें भी देना बहुत ज़रूरी है। इसमें किसी भी प्रकार के कीटाणुओं का कोई अटैक ना हो। तो हर पौधों में मैं अपने इसको यूज करती हूँ। इधर देखिए सदाबहार में भी दूंगी, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और इधर अपने इस गुलाब में भी दूंगी। देखिए यह गुच्छों में फूला हुआ है, तो इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो मैं हर पौधों में डाल देती हूँ, इससे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। बहुत ही एकदम इजीली हर घर में मिलने वाली ये चीज़ें हैं, सभी के घरों में आसानी से यह चीज़ मिल जाती है। तो यह आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो यह लहसुन है, मरा हुआ लहसुन है, जो लास्ट पूरा सीजन जब पिछले बार का है जो समाप्त हो जाता है, तो जो बच जाते हैं वो मर जाते हैं। तो ये ले लीजिए, अगर आपके पास इनके से नहीं है, हम तो रख लेते हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं जो चीज़ घर की रिजेक्ट है मैं अपने पौधों में प्रयोग करती हूँ। तो आप इस तरह से नए लहसुन का छिलका भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए। उसके बाद ये प्याज का छिलका, प्याज लहसुन हर घर में ईजिली मिल जाता है। उसके बाद यह तीसरी चीज़ हम ले लेंगे, इसमें कुछ आलू के छिलके हैं, यह ले लेंगे। देखिए ये आलू का छिलका है। और चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यह लेंगे, नीम के पत्ते, आपको दिख रहा होगा नीम का पत्ता, तो यह ले लेना है आपको। अगर आपको इनकेस नहीं मिलेगा तो इसका भी हम आपको ऑप्शन बताएंगे कि इसके एवज में आप क्या ले सकते हैं और यह क्यों ज़रूरी होता है हमारे पौधों के लिए। तो आप देखते रहिए इसको। तो हम इन चार चीज़ों को सबसे पहले इसमें भिगाएंगे। तो देखिए यह प्याज लहसुन और नीम, ये इस तरह से हमें इसको भिगा देना है, और ये आलू का छिलका, कम से कम 4-5 आलू का छिलका है, और कम से कम 5-6 प्याज का छिलका है, और यही लहसुन 5-6 गांठ मरे हुए लहसुन के छिलके और लहसुन है, तो इस तरह से, और 2 मुट्ठी नीम का पत्ता है। ये रेशियो इसका है पूरा, और ये हम डालेंगे करीब
सात आठ पौधों में, हम 10 पौधों में इसको डालेंगे, तो हम बताएंगे आपको कि कितने कितना ये मात्रा डालना है आपको। और सबसे बड़ी चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कि सभी चीजें सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल धूप में नहीं सुखाना है इसको। आलू के छिलके को भी आप छाया में रख देंगे तो ड्राई हो जाएगा, नीम का पत्ती भी छाया में रख देंगे तो ड्राई हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको नीम का पत्ता नहीं मिल रहा है तो इसके एवज में नीम आपको क्यों डालना है, नीम इसलिए डालना है कि नीम में जो है बहुत अच्छा एंटी फंगल एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके साथ साथ नीम का पत्ता बहुत ही शीतल होता है, नीम का पौधा आपको पता होगा कि शीतल पौधों में चंदन और नीम सबसे सर्वप्रथम स्थान पे आते हैं, माता शीतला का निवास, इसीलिए नीम में बताया गया है क्योंकि वह शीतल होता है। और एक चीज और आप ध्यान दिए होंगे कि जब चेचक वगैरह निकलता है तो नीम के पत्ते का लेप किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो इतना शीतल होता है। तो गर्मी के दिनों में जब हमें अपने पौधों को बचाना रहता है और उससे अच्छा खासा रिजल्ट लेना रहता है तो ये देना बहुत जरूरी होता है, इससे बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और ये मैं हमेशा देती रहती हूँ तो कितने दिनों के अंतराल में देना है सब मैं आपको बारी बारी बताऊंगी, इसके बाद मैं इसमें क्या और चीज मिलाऊंगी। तो इसको हमको 2 दिनों के लिए इसी तरह से भिगा करके रख देना है, 2 दिन के बाद हम इसको यूज करेंगे अपने पौधों में। और कितनी मात्रा डालेंगे यह भी आपसे बताएंगे। तो ये नीम और लहसुन प्याज ये सभी कारगर है, और आलू का छिलका भी इतना कारगर है इस फूल को खिलाने के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है पौधों में डालना। गर्मी के दिनों में अगर आपको अच्छा खासा रिजल्ट चाहिए तो आप इन चीज़ों का प्रयोग ज़रूर करिए अपने पौधों पर, और इसको डालते ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि हमारे पौधे कितने अच्छे से चलते रहते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं 15 सालों से इन सब चीज़ों का प्रयोग करती हूँ। तो 2 दिन बाद मिलते हैं और दिखाएंगे कि और किन पौधों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और बीच बीच में एकाध बार इसे हमें जैसे इसे भिगा दिए तो बीच बीच में हमें एकाध बार इसको इस तरह से उलट पलट देना है, चाहे आप लकड़ी की सहायता से या किसी चीज़ की सहायता से या हाथ से इस तरह से इसको दबा दें ताकि हर चीज़ का अर्क इस पानी में अच्छे से आ जाए। अब हम आपको यह भी बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपको नीम का पत्ता नहीं मिले, हम तो अपने गार्डन में इसीलिए लगाए हुए हैं, अगर आपको न मिले तो आप इसके एवज में नीम खली 1 मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं। नीम खली का भी उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है जितना पत्ते से मिलता है। तो मैं तो बहुत कम जो है पैसा खर्च करती हूँ, जब पत्ते हमारे पास हैं तो हम खली नहीं मंगाए हैं, हम पत्ते से ही अच्छा खासा रिजल्ट लेते हैं। एक गमले में इसको लगा दिए, आप भी चाहें तो ज़रूर अपने घर में इस चीज़ को लगाएं। तो इस तरह से इसको इस तरह से जब आप कभी छत पे आ रहे हैं या पौधों को पानी वानी देने आ रहे हैं तो इसको इस तरह से इसे चला दें, और चलाने के बाद फिर इसको इस तरह से ढक दें। तो फ्रेंड्स देखते हैं 2 दिन हो चुका हमारी इस औषधि की क्या स्थिति है। बीच बीच में हम इसको चला दिए थे हर डे 1-2 बार, तो इस तरह से देखिए बहुत अच्छे से अपना तत्व इस पानी में छोड़ चुका है। अब हम इसको पूरा इस तरह से निकाल दे रहे हैं छान करके, इस तरह से इसको निकाल देंगे और किचन वेस्ट में हम इसको यूज कर लेंगे। इससे बहुत अच्छी खाद भी बन जाती है, तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल न फेंका करें, और किसी गमले में भी नीचे दबा सकते हैं जिसमें कीटाणुओं या चींटियों का आपको डर है कि अटैक हो रहा है, तो इससे बहुत अच्छा एंटी फंगल का काम करेगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल न फेंके, यह बहुत ही कारगर चीज़ होती है, यह आयुर्वेद की इतनी अच्छी औषधि है कि आप आजमा करके देखिएगा आपके पौधे बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार के कीटाणुओं का अटैक नहीं होगा। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल साफ कर ले रहे हैं। तो देखिए जितना था हम सारा निकाल चुके, जो भी था सब निचोड़ वगैरह के सब नीम उम का पत्ते निचोड़ दिए हैं। अब हम इसको छानेंगे इस तरह से, बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा करके डालना है क्योंकि यह बहुत अच्छी टॉनिक है।
और इसे ये देखिए करीब ये 4 लीटर की बाल्टी है, तो 2 लीटर ही हमारा टॉनिक है। अब हम इसमें 10 लीटर के करीब पानी मिलाएंगे, क्योंकि इसे बहुत पतला आपको बनाना है, इसे गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखना है। यह बहुत ही कारगर चीज़ है, और लहसुन का, प्याज का, नीम का पत्ता है, तो इसलिए बहुत ही कारगर है। तो आप बिल्कुल दवा की तरह इसका प्रयोग अपने पौधों पर करिए। जिस तरह से दवा होता है, टॉनिक दवाएं दी जाती हैं, तो उस तरह से दीजिए। बिल्कुल भी आपके पौधे में किसी भी प्रकार का कोई फंगस भी नहीं लगेगा। मान लीजिए गर्मी में पानी देते देते फंगस लग जाता है पौधे में, और अन्य किसी भी प्रकार के कीट पतंगों का भी अटैक रहता है, तो ये सब भी नहीं होगा। बिल्कुल साफ सुथरे आपके पौधे रहेंगे इस चीज़ के प्रयोग से। तो ये देखिए 2 लीटर टॉनिक था हमारा और 10 लीटर पानी। अब ये बिल्कुल पतला हम इस तरह से यह घोल बना दिए। यह बहुत ही कारगर चीज़ हो गई। और इसे देना कैसे है, चलिए पौधों में दे करके दिखाते हैं आपको। तो इसे और अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें जो है हम एक चीज़ और मिलाएंगे। तो देखिए यह है मैग्नीशियम सल्फेट। यह मार्केट में या ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। इसका इस समय पे इस चीज़ में बहुत ही अच्छा असर होता है। तो यह भी हम डालेंगे। यह करीब 2 चम्मच हो जाएगा इतने से। थोड़ा हवा वगैरह लग गया है तो इसमें गांठ हो गई है। इस तरह से मसल करके हमको इसको डाल देना है 2 चम्मच, बस ज़्यादा नहीं डालना है। अब आप चाहें तो इस चीज़ का, आप ये सभी चीज़ों का, अगर आपके पौधे रोग ग्रसित दिख रहे हों तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इस तरह से ऐसे इसको फेंट करके और स्प्रे बाटल में डाल करके इसका स्प्रे भी आप कर सकते हैं। इससे उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप देखिए इसमें बहुत तेज स्मेल है, और इससे हर प्रकार के कीट पतंगे भी भाग जाएंगे। तो इधर पिटोनिया और ये पार्टुला का इन सबों में भी दे दूंगी, क्योंकि इसमें भी देना बहुत ज़रूरी है। इसमें भी देखिए अच्छी खासी कलियां बन रही हैं, और बहुत अच्छी मात्रा में इससे भी फूल मिल रहा है। इधर मधुकामनी में भी देखिए बहुत सारी कलियां बन रही हैं, और बहुत ज़्यादा इससे हमको फूल मिल रहे हैं। तो इसमें भी देना ज़रूरी है, इसमें भी दे रहे हैं। इस तरह से अपने सभी पौधों में हम दे देंगे। और इधर देखिए ये करीब हम 10 पौधों के लिए यह बनाए हुए थे। तो यह मिनी चांदनी है, ये देखिए छोटी छोटी सी, इसमें भी बहुत सारी कलियां बन रही हैं, बहुत सारे फूल आ रहे हैं। तो इसमें भी हम दे दे रहे हैं। तब आपको हम ये भी बताएंगे कि इसको कितने समय में देना है। तो महीने में बस आप इसे एक बार ही दीजिए, ज़्यादा नहीं देना है। कोई भी टॉनिक या खाद आप जब भी दे रहे हैं तो महीने में एक बार उस चीज़ को बस दीजिए। बार बार हमेशा उसी चीज़ को मत दीजिए। एक महीने के पहले इसको मत दोहराइए। और आप इसको सिर्फ आउटडोर प्लांट में ही दे सकते हैं, इंडोर प्लांट में आपको इसको देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इधर हम अपने इस बोगनवेलिया को भी दे दे रहे हैं। यह भी देखिए कितना अधिक फ्लावरिंग किया हुआ है। तो इसमें भी जो बचा खुचा है यह टॉनिक हम इसमें भी डाल देंगे, इससे इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा ये फ्लावरिंग करेगा। तो उम्मीद है आपको यह जो है दवा वाला टॉनिक बहुत पसंद आया होगा। और अपने सभी पौधों को, आउटडोर प्लांट को इसको दीजिए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके पौधे बिल्कुल भी रोग ग्रसित नहीं रहेंगे, स्वस्थ, खूबसूरत और फूलों से लदे रहेंगे। देखिए पौधे की ग्रोथ कितनी अच्छी है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पौधे का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।